नमस्कार, मैं आपका सेवक मिहिर कोटेचा। आज 28 अप्रैल हनुमान जयंती इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु श्री हनुमान के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि कोरोना का संकट जल्द ही संकट मोचन हम सभी के जीवन से हर ले। आज मुलुंड में श्री सती देवी एवं श्री नर्मदा देवी की यात्रा होती है और यह बहुत ही प्राचीन काल से मुलुंड में चल रही है। मुलुंड के जो मूल गांव थे, गवनपाड़ा, नाहूर, नानेपाड़ा, नवघरपाड़ा, ये सभी इस यात्रा को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। मैं सभी मूल मुलुंडकरों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज मुंबई में 4014 नए केसेस आए हैं, हमारे मुलुंड में 122 नए केसेस आए हैं। मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा, कल भी जो नागरिक कोविशील्ड का वैक्सीन लेना चाहते हैं, बहुत ही लिमिटेड स्टॉक मुलुंड में बचा है, तो कल भी नागरिकों को असुविधा होने वाली है। मैं आज हमारे महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश ककानी जी को मिला, उनसे यह मांग की कि रोज बहुत ही कम मात्रा में मुलुंड में वैक्सीन आ रहे हैं, तो इसका स्टॉक बढ़ाया जाए और पिछले 10 दिनों से कोविशील्ड का एक भी इंजेक्शन मुलुंड में उपलब्ध नहीं है, इसलिए तुरंत ही जिन नागरिकों का सेकेंड डोज ड्यू है कोवैक्सीन का, उनके लिए कोवैक्सीन का भी स्टॉक भेजा जाए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोविशील्ड का कोई स्टॉक नहीं है और 2 मई के पश्चात वह आने की उम्मीद है। जो हमारा मुलुंड पश्चिम का दूसरा सेंटर है, हमारा प्रयास है कि परसों से वह शुरू हो जाए, पर एक सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा कि क्या हमको वैक्सीन का स्टॉक मिलेगा। कल रात को मैं उसकी जानकारी आपको दूंगा। आप सभी सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।